अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बगल में बेल के आइकन को रिंग कर कभी भी कोई पैसे कमाने के तरीके मिस ना होने दें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू चैनल टॉकिंग अबाउट फ्री, जहां पर मैं शुभम भार्गव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई बात के साथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या बिटकॉइन लीगल है या नहीं, जो कि बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि बिटकॉइन इलीगल है, इलीगल है यार, बिटकॉइंस रखना बंद होने वाला है इंडिया में। तो क्या ये बात सच है या कितनी झूठी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ दोबारा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे मेरा आने वाला गिव अवे जो कि मैं 500 सब्सक्राइबर्स के बाद देने वाला हूँ वो आपसे ना छूटे और आप फ्री अर्निंग्स भी करते रहें। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम लोग बढ़ जाते हैं और आज के टॉपिक जो कि है बिटकॉइंस इलीगल है इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साइट मैंने psalegal.com खोला हुआ है, जो कि हमको बताएगा, जो हम लोग को बताएगा कि बिटकॉइंस लीगल और इलीगल इन इंडिया। सो ये टॉपिक्स डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ कि गूगल का क्या राय है इस पे। तो गूगल पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा था इज बिटकॉइंस लीगल इन इंडिया, तो आया आपको कि यूज़ ऑफ बिटकॉइंस इलीगल, ये इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है। उसके बाद क्रिप्टो कॉइन न्यूज़, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक बिटकॉइन, वो कहना है कि ये फेक न्यूज़ है, बिटकॉइन इज इलीगल, रिपोर्ट द इंडियन प्रेस। उसके बाद जो जेप पे, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनोकॉइन और जेप पे ये सब कंपनीज है, तो जेप पे जो कि इंडिया में बिटकॉइन का लेना देना कर रहा है, वो बोल रहा है कि बिटकॉइन इज़ लीगल अंडर एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। तो ये सब मानने थे बिटकॉइंस के बारे में। तो हम जो आपको साइट खोले थे, अब उसके बारे में बता देते हैं। PSA जो बता रहा है कि वेल RBI हैज़ नॉट लीगलाइज बिटकॉइंस, मतलब कि अभी तक RBI ने लीगलाइज़ नहीं किया है बिटकॉइंस को, इसीलिए वो एक अथॉरिटी के द्वारा मानी गई नहीं है, इसीलिए अभी वो लीगल नहीं है और इसीलिए अभी वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आ रही है। मैंने साइट भी खोल दिया है और आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, अभी चाहे तो पूरा डिटेल उठा करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है यार कि बिटकॉइंस लीगल है या इलीगल है। तो वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइंस का भी ऐसा कुछ केस चल रहा है कि RBI ने अभी तक इसको ऑथराइज़ नहीं किया है लीगली, इसीलिए अभी तक इलीगल माना जा रहा है। क्योंकि जब जैसे कि बैंक को RBI ने लीगलाइज़ किया, कमर्शियल बैंक्स को RBI ने लीगलाइज़ किया, इसीलिए वो लीगल है बैंक, ऐसे ही बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस को RBI ने अभी तक लीगलाइज़ नहीं किया, इसलिए वो लोग इलीगल मान रहे हैं। सो मेरा मानना ये है कि RBI का फैसला ही अंत में माना जाएगा, ये तो सब कोई बेशक मानेगा। तो बिटकॉइंस लीगल हो भी सकता है, हो सके RBI इसको लीगलाइज़ कर दे और हो सके कि इसको इलीगलाइज़ कर दे, अब एज अ बैड कंटेंट मान ले, क्योंकि जो कि मानना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, किस कुछ रूल्स ऐसे ही बना लिए जाते हैं। सो जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक सुझाव था कि बिटकॉइंस एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि पैसों को डुबा सकता है लोगों के, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से कि जब कोई गोल्ड, लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये जगह इन्वेस्ट कर सकता है, तो बिटकॉइंस क्या चीज़ है जब वहाँ पे इतना रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे शेयर मार्केट्स है, जब वो सब पैसे का रिस्क है, तो बिटकॉइंस क्या है तब? तब बिटकॉइंस को इतना लीगलाइज क्यों, कि मतलब इतना बैड कंटेंट क्यों माना जा रहा है कि नहीं बिटकॉइंस नहीं है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो मार्क किया हुआ है, ये भी आप कंटेंट्स पढ़ सकते हैं कि सब गवर्निंग रेगुलेशंस, ये सब अलग अलग तरीके के दिए जा रहे हैं कि यार बिटकॉइंस ऐसा है वैसा है, और कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कि कोई बोल रहा है बिटकॉइंस इलीगल हो गया है इंडिया में, कोई बोल रहा है कि नहीं अभी भी लीगल है। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि क्या असल की सच्चाई है। तो बात यही है बस कि अभी तक किसी को कुछ ऐसा कोई मालूम नहीं है, मतलब अभी तक RBI ने इसको लीगलाइज़ नहीं किया है, इसलिए वो इलीगल माना जा रहा है। जिस समय इसको लीगलाइज़ कर दिया जाएगा, जिस समय या इसको इलीगलाइज़ कर दिया जाएगा, उस समय वो परमानेंटली लीगल या इलीगल बैठेगा। जैसा कि अगर आप लोग मेरे साथ होंगे, अगर आप लोग का यूनोकॉइन या जेप्पे पे ये सब पे अकाउंट होगा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अगर यूनोकॉइन जेप्पे बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से बिटकॉइन का लेना देना करेंगे, जो हम लोग बिटकॉइन से अर्निंग कर रहे हैं वो सब का क्या करेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन से अर्निंग के तरीके बहुत सारे हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि हर जगह दुनिया में चलती आ रही है, और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इसको बंद करने का सोचा जा रहा है। तो बंद हो या ना हो वो तो आगे की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे,
लेकिन मेरा आपको फिर से यही सुझाव कि अगर आप ये लोग चाहते हैं कि यार वी वांट टू बी इन अ सेफ साइड सो आप लोग यूनो कॉइन एज ऐप पे जिस पे भी अकाउंट बनाए हुए उस पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको यही कहूँगा उसमें पैसे मत रखिए। आपको पैसे अपने बिटकॉइंस के लिए रखने हैं तो मैं आपको आगे बता दूंगा एक ब्लॉकचेन अकाउंट बनाने का, जो कि एक ब्लॉकचेन एक इंटरनेशनल अकाउंट है BTC बिटकॉइंस का, जो कि आपको मदद करेगा आगे बिटकॉइंस को इंटरनेशनली लेने ना करने में। जैसे कि इंडिया में यूनो कॉइन और ज़ेप्पे के द्वारा ये सब लीगलाइज किया जाता है बिटकॉइंस, तो वो ब्लॉकचेन एक इंटरनेशनल अकाउंट है जिस पे आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है और आप उसमें फिर कुछ भी बिटकॉइंस से साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि ज़ेप्पे एक साइट हो गया बिटकॉइन का, एक यूनो कॉइन हो गया, तो आप ब्लॉकचेन पे आपको बताने वाला हूँ तुरंत बहुत जल्दी, कल परसों मैं आपको ब्लॉकचेन का एक दिखा दूंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, 2 मिनट का काम होता है, वो भी आपको बता दूंगा ताकि आप सेफ साइड में रहें, आपसे कोई दिक्कत ना हो, आप उसी में रखिए पैसा। अगर इलीगलाइज किया जाता है तो आपका पैसा सेफ रहेगा ब्लॉकचेन अकाउंट में, और अगर लीगल मान लिया जाता है RBI के द्वारा बिटकॉइंस को, तो आप वापस इसको अपने यूनो कॉइन अकाउंट में ले सकते हैं, देन दैट्स नॉट सो प्रॉब्लम। अगर आप ये कहेंगे कि यार ब्लॉकचेन में हम डाल दिए पैसा फिर वो कैसे हम अपने बैंक में डालेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बिटकॉइंस को भेज सकते हैं इधर से उधर, उसके बदले जिससे भी आपको बिटकॉइंस के बदले जो भी आपको कैश चाहिए, पेटीएम चाहिए, पेपल चाहिए, जो भी आप चाहिए आप और उससे ले सकते हैं, और वो भी आपसे एक्सचेंज मेथड बन जाएगा बिटकॉइंस के लिए। तो आपको ये भी कोई टेंशन का बात नहीं है, आप ज़ेप्पे के साइट पर भी देख सकते हैं, ये सब जापान सिंगापुर और ये सब का अलग अलग लेना देना था, तो कुछ ऐसा ही हो गया है आजकल। तो बस दोस्तों चिंता मत करिएगा, बस मेरे तरफ से यही सुझाव है कि जो भी होगा RBI के द्वारा अभी तक आपको मैं बस अगले स्टेप पे यही बता दूं कि आप ब्लॉकचेन अकाउंट खोल कर रख लीजिएगा, आपको पैसे रखने हैं तो आप ब्लॉकचेन में रख लीजिए, क्योंकि बिटकॉइंस का तो अभी भी हम लोग यही भरोसा है कि बिटकॉइंस का रेट बढ़ेगा, तो बस इसी के लिए आप ब्लॉकचेन में रख लीजिए पैसे अपने, और उससे जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कराता रहता हूँ वो करते रहिए। तो बस दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूँगा, और जस्ट आई एक्सपेक्ट दैट आपको सब समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई सुझाव या कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पे बहुत वैल्यू करता हूँ, और आपका कमेंट एक फीडबैक की तरह मानता हूँ। सो दोस्तों फिर इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट अर्निंग वीडियोज़ में। बस उसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक और बार मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा आगे आपको पैसे कमाने के कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड और मेरे आने वाले गिव अवे से रिलेटेड। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंदुस्तान, जय भारत, रिस्पेक्ट वुमेन एंड रिस्पेक्ट योर मदर मैन, गुड बाय, टेक केयर।